एग्जाम्पल नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा, ओके, जो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए से फाइंड करते हैं उसको डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं। तो इक्वेशन दिया गया है हमारे पास यहाँ पे 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find it a nature of root। नेचर ऑफ रूट हमें कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दिया ही है, ओके, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसके रिलेटेड, तो आप पहले वो वीडियो देखे बाद में ये वीडियो देखना। सो वो हमें पता है नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है। पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, ए चाहिए, ए इक्वेशन ऊपर से मिल सकता है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे माइनस फोर है और सी है यहाँ पे थ्री। सो वो हमने लिख दिया, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट के लिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मैं इसे डेल्टा इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ बेटर। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स माइनस फोर बी है यहाँ पे माइनस फोर, माइनस फोर स्क्वायर विल बी माइनस फोर इंटू ए सी मीन्स टू इंटू थ्री, सो 16 माइनस 24 तो आंसर मिलेगा हमें माइनस एट। अगर हमें नेगेटिव आंसर मिलता है तो हमें पता है नेगेटिव आंसर अगर हमें मिलता है तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है, सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, सो दिस इज़ अवर आंसर। ये ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, आप वैसे ही डायरेक्ट वहाँ से लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अ पोल हैज़ अ टू इरेक्ट एट पॉइंट अ बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर वे अ डिफरेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेंशियल अपोजिट फिक्स गेट। दो गेट है ए एंड बी, उसकी एक दूरी कितनी है, एक गेट से दूसरे गेट पे जाओगे तो एक गेट की अगर एक से दूसरे गेट पे जाओगे तो एक्स प्लस सेवन हो जाएगी, बाउंड्री 7 मीटर, पॉसिबल डू सेम। इफ़ यस द डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट शुड बी पोल बी इरेक्टेड, ओके, यहाँ पे पी है, आप फिगर में देखो पी है, एक पोल है और दो गेट है ए एंड बी। हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि छोटा डिस्टेंस है उससे, कोई पोल से अगर आपको एक गेट पे जाना है तो आपको जितनी दूरी एक पे कर दिक्कत हो रही उससे ज़्यादा प्लस सेवन करोगे तो आपको दूरी मिलेगी दूसरे गेट की, ओके। तो यहाँ पे ए पी से बी की दूरी हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे बी पी इक्वल टू एक्स मीटर हम कंसिडर कर लेते हैं, तो ए पी क्या होगी, ऑब्वियसली ए पी होगी एक्स प्लस 7 मीटर। तो हमें ये डिस्टेंस मिला एक्स, यहाँ पे मिला एक्स प्लस 7 और 13 तो ऑलरेडी दिया गया है डायमीटर 13, यहाँ पे दिया ही गया है, आप देख सकते हो 13, सो वो हमें ऑलरेडी दिया गया है और ये है एक्स प्लस 7। सो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, पाइथागोरियन जो थियरम है उसका यूज़ करना है। पाइथागोरियन थियरम है, ए बी यहाँ पे है 13, सिंस ए बी डायमीटर हुआ ट्राइंगल का, सो ट्राइंगल के लिए हमारे पास होगा ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री जो कॉर्नर मिलता है। सो पाइथागोरियन थियरम का यूज़ करके हम कह सकते हैं ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप फिगर देखो तो समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ किया है। ओसे यहाँ पे ट्राइंगल का स्क्वायर, ट्राइंगल का स्क्वायर हम यहाँ पे देख सकते हैं, डायमीटर का स्क्वायर, उसके बाद है दोनों जो साइड है उसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ता है। ट्राइंगल का स्क्वायर, सॉरी डायमीटर का स्क्वायर प्लस दोनों जो साइड है एक्स प्लस यहाँ पे 7 है, इस दोनों का स्क्वायर हमें करना पड़ता है। सो दिस टर्म स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर इक्वल टू दिस टर्म स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है
एक्स प्लस सेवन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 13 स्क्वेयर, वो आप समझ सकते हैं। एक्स प्लस सेवन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 स्क्वेयर, वो किसे आया? पाइथागोरियन थियरम की वजह से। ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। यहाँ एक्स प्लस सेवन का सिंप्लीफिकेशन क्या है? एक्स प्लस सेवन का सिंप्लीफिकेशन है ये, और बाकी सब ये है इसका सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, 13 का स्क्वेयर हुआ 169। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वेयर, 14x, ऐसे ही रहेंगे 49। 163 है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सो 169 माइनस 49 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 120। ठीक है, हमें वो माइनस 120 हो गया। तो यहाँ से हम कॉमन 2 है देखो सब में, ये इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और इसको भी 2 से डिवाइड, तो हमारे पास फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस 60। तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना चाहते हैं तो उससे भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं गया है, तो आप कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मैं फैक्टराइज मेथड से करूँ तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? एक्स प्लस 12 एंड एक्स माइनस 5, एक्स माइनस होगा 5, यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो x माइनस 5 एंड x प्लस 12 मिलेगा मुझे। सो वही सेम यहाँ पे मिलता है, माइनस 12 प्लस x प्लस 12 होगा वो उस तरफ जाएगा तो हमें माइनस 12 मिल जाएगा और प्लस 5 मिल जाएगा। वो अब आपको पता है कैसे सोल्व करना है, आप जैसे भी सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर सकते हो। ओके, सो माइनस 12 इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे माइनस 12 है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस माइनस हो सकता नहीं है। सो हमारे पास आंसर होगा x इक्वल टू 5। अगर अगर x इक्वल टू 5 मिल गया है हमें, x इक्वल टू अगर हमें 5 ऑलरेडी मिल गया है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 7 था जो x प्लस 7, सो x 5 है तो 5 प्लस 7 विल बी 12। सो बी गेट के तरफ जाने के लिए हमें डिस्टेंस कितना फेस करना पड़ेगा? x प्लस 7 मींस 12। ओके, नेक्स्ट 18 एग्जांपल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। डायरेक्टली हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, सो वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी यहाँ पे ऑलरेडी है, सो यहाँ पे लिखी हुई है ए बी सी की वैल्यू। अभी क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है उसमें जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। सो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ac, सो माइनस 4 माइनस 4 विल बी 0। आंसर हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो मीन्स दोनों रूट हमें सेम मिलेंगे। दोनों रूट सेम मिलेंगे तो वो किस टाइप के रूट हो गए? माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, बोथ रूट आर सेम। सो रूट क्या आएंगे? माइनस बी अपॉन 2a, तो यहाँ पे माइनस बी क्या है? माइनस 2, माइनस 2 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 2, और 2a मीन्स 2 टाइम 3 मीन्स सी, 2 3 जा 6, सो 2 अपॉन 6 हमें रूट मिल जाएगा। सो उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो फाइनल रूट क्या मिलेगा? 1 अपॉन 3। सो हियर वी कंप्लीट एग्जांपल पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4।